हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। आज हम बात करेंगे वी चेन की, जिसको हम बिट के नाम से भी जानते हैं, VAT। एंड इसके बारे में हमने बात करी थी जब मार्केट पूरी नीचे जा रही थी। हमने आपको बताया था अराउंड 5 to 6 rupees के आसपास ही आए, तो इसको परचेज कर लेना चाहिए। आज की डेट में यह है अराउंड 10 rupees। बहुत सारे लोग इसमें से एग्जिट लेने की सोच रहे हैं। क्या वो सही सोच रहे हैं, क्या वो गलत सोच रहे हैं, क्या इस क्रिप्टो के बारे में, सारी डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो में। तो चलते CoinGecko ऐप में देख लेते हैं अबाउट वी चेन। तो वी चेन का करंट प्राइस 10 rupees 6 paisa एंड लास्ट 24 आवर्स में ये अप है 0.3%, जो कि आप न्यूट्रल समझ सकते हो, कुछ भी ना अप है ना डाउन है। अगर हम इसका लास्ट 1 month का चार्ट देखें तो हमें एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। जितने लोगों ने इसमें पैसा डाला था एट अराउंड 5 rupees 5 or 6 rupees, वो कहीं ना कहीं उनका पैसा डबल हो गया। बहुत सारे लोग इसमें से एग्जिट लेने की भी सोच रहे हैं। जो लोग एग्जिट लेना चाह रहे हैं वो भी करेक्ट है, जो लोग इसमें और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग भी सही हैं। क्या इसमें डेवलपमेंट्स हो रही है, क्या चीज़ें हैं वी चेन के बारे में, वो सारी बातें करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके डेवलपर हैं सनी लू, एंड सनी लू जो है बहुत मेहनत करते हैं अपने क्रिप्टो में। जैसे चार्ल्स हॉकिंसन की अगर हम बात करते हैं कार्डानो ADA, वैसी सनी लू काम करते हैं वी चेन में। वी चेन का अगर हम 1 year का लास्ट 1 year की ग्रोथ देखें तो 1026%, लास्ट 30 days में 38%, 14 days में 19.6%, 7 days में 11.4% एंड करेंट 24 hours में ऑलमोस्ट बराबर ही चल रहा है। तो यस, दिस क्रिप्टो हैज़ ग्रोन मेनी टाइम्स। मैंने इसको पहले भी परचेज करा था, आप लोगों को दिखाया था जब मैंने इसमें से पैसे निकाले थे, तब भी ये ग्रो कर रहा था, अगेन ये ग्रो कर रहा है। करेंट मार्केट कैप रैंकिंग इज 24, मार्केट कैप यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रेडिंग वॉल्यूम देख सकते हो, 24 hours आए एंड 24 hours लो ऑलमोस्ट बराबर है 9 rupees 61 paisa एंड 10 rupees 12 paisa। टोटल अवेलेबल सप्लाई इसकी है, टोटल सप्लाई है 86 billion, अवेलेबल सप्लाई इज 66.8 billion। सिंस ऑल टाइम हाई इसका अभी लो चल रहा है 51%, तो एक कहीं ना कहीं एक गैप है ऑफ 10 rupees जो इसने कवर करना है। अगर हम INR की बात करें, ऑल टाइम हाई इसका था 20 rupees 95 paisa, वहाँ से अभी ऑलमोस्ट 10 rupees 90 paisa ये कम चल रहा है। कोई भी क्रिप्टो जब अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तब हमें उसमें एक अलग से एक जंप देखने को मिलता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी क्रिप्टो के लिए। जब एक टाइम कोई भी क्रिप्टो अपना ऑल टाइम हाई टच करके नीचे आता है तो इसको अगेन वो ऑल टाइम हाई टच करने में थोड़ा बहुत टाइम लगता है। वो थोड़ा बहुत टाइम कई बार 3 महीने, कई बार 6 महीने, कई बार 1 साल भी हो जाता है, बट एवरीबडी वेट्स कि वो अपने ऑल टाइम हाई को एक बार और ब्रेक करें। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि उस क्रिप्टो में वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो अगेन अपना ऑल टाइम हाई टच कर सकता हो। वी चेन, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि इज़ अ वेरी गुड टोकन, आप अभी से इसको कलेक्ट करना स्टार्ट कर सकते हो। 2022 विल ऑल बी अबाउट वी चेन। वी चेन की अगर हम एक्सचेंजेस की बात कर लेते हैं, एक्सचेंजेस में हम आ लेते हैं तो हमें बहुत सारे एक्सचेंजेस में अवेलेबल मिलता है। बायनांस बीइंग दी टॉप एक्सचेंज, वहाँ पे भी अवेलेबल है। 24 hours वॉल्यूम के हिसाब से अगर हम देखें तो बायनांस में सबसे ज़्यादा ट्रेड हुआ है वेट फ्रॉम USDT। आप देख सकते हो वहाँ पे भी प्राइस चल रहा है 10 rupees 02 paisa। अपबिट में इसका प्राइस चल रहा है 10 rupees 39 paisa, देखने को बहुत कम है, बट आर्बिट्रेज यहाँ पे भी ही हो रहा है। जिनको आर्बिट्रेज नहीं पता, वो मैंने बताया था अपनी दूसरी वीडियो में, वो आप जाके देख सकते हो। Currently is available in most of the exchanges, but बहुत सारे ऐसे बड़े एक्सचेंज हैं जो अभी भी कहीं ना कहीं मिसिंग है। हम बात करें एक्सचेंजेस लाइक Coinbase, वहाँ पे अभी ये अवेलेबल नहीं है। हम बात करें Robinhood, वहाँ पे ये अवेलेबल नहीं है। बहुत सारे उसके अलावा भी एक्सचेंजेस हैं जहाँ पे अभी वी चेन आपको अवेलेबल नहीं मिलेगा। वी चेन में आप स्टेक भी कर सकते हो, मैंने आपको सिखाया था वी चेन में आप कैसे स्टेक कर सकते हो। इनका खुद का वॉलेट है, वहाँ पे अगर आप वी चेन जो है कलेक्ट करके रखते हो तो आपको VTHOR मिलता है। साथ ही साथ आप बाइनेंस में भी इसको जो है आप स्टेक कर सकते हो। बट एज आई ऑलवेज से, जिस क्रिप्टो का खुद का वॉलेट है उसको वहाँ पे स्टेक करना ज़्यादा बेटर होता है। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि अगर आप इसको अपने VTHOR वॉलेट में रखें एंड वहाँ पे इसका प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हैं। वहाँ पे आपको जो रिटर्न्स मिलता है वो अच्छे खासे रिटर्न्स मिलते हैं। VTHOR मिलता है, VTHOR के बारे में बात कर लेंगे। अगर हम इसके इन्फो सेक्शन में जाएँ एंड इसके अगर होम पेज में जाएँ, अगर इनकी वेबसाइट में आ जाते हैं, यहाँ पे लिखा है वी चेन थॉर अ पब्लिक ब्लॉकचेन दैट डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम एक्टिविटीज क्रिएटेड बाय मेंबर्स विद इन द इकोसिस्टम सॉल्विंग रियल वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इनका वाइट पेपर भी दे रखा है, रिसोर्सेज बूट कैंप एप्लीकेशन हब डेवलपर फॉर सेंटर, ये सारी चीज़ें हमें ऑलरेडी पता है वी चेन के बारे में। जैसे मैं आपको बता रहा था वी चेन थॉर वॉलेट आप यहाँ पे आके भी डाउनलोड कर सकते हो, बोथ फॉर एप्पल एंड एंड्रॉयड फोन्स ये अवेलेबल है आपको। आप यहाँ पे आके इसको डाउनलोड कर सकते हो एंड इसको आप यूज़ कर सकते हो। स्टेकिंग वी चेन इज़ करेंटली द मोस्ट ईजिएस्ट वे आप कैसे इसको स्टेक कर सकते हो। वी चेन के बारे में हमें ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता है तो इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जस्ट दैट वी चेन जो है मेरा फेवरेट कॉइन है सिंस दी बिगनिंग। जैसे मैंने आपको बताया था एट अराउंड 5 or 6 rupees जब ये गया था मैंने भी परचेज करे थे, बहुत सारे लोगों ने भी परचेज करे थे वी चेन एंड
यस, वी चेन इज़ वन ऑफ द टोकन जो अगर अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक करता है तो हमें एक नया लेवल देखने को मिल सकता है विच इज़ ऑलमोस्ट 10-20% अबव द ऑल टाइम हाई। बट जब तक वो अपने ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता तब तक हम इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट यस, अगर जैसी डेवलपमेंट्स वी चेन कर रहा है, 2022 कैन बी अ गेम चेंजर फॉर वी चेन। वी चेन थॉर जो आपको मिलते हैं, हम उसकी भी बात कर लेते हैं। वी थॉर के नाम से उसको जाना जाता है एंड वी थॉर टोकन जो है वो भी ज़्यादा बुरा नहीं कर रहा है। अगर इसका हम प्राइस देखें तो 0.74 रुपीज़ इसका करेंट प्राइस चल रहा है। अगर हम इसका लास्ट 3 मंथ का चार्ट देखें तो ऑलमोस्ट 1 रुपी के ऊपर जाके ये अगेन नीचे आया था, बट उससे पहले इसका प्राइस कम था। 1 ईयर का अगर हम इसका ग्रोथ देखें 1483%, लास्ट 60 डेज में नेगेटिव गया था क्योंकि लास्ट 60 डेज में ये 1 रुपी टच करके नीचे आया एंड लास्ट 24 आवर्स में नेगेटिव है 0.4%। इसकी अगर हम अवेलेबल सप्लाई देखें 41.4 बिलियन एंड इसका भी ऑल टाइम हाई जो है वो है 3.29 रुपीज़, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। इसके अगर हम ऑल टाइम से बात करें तो अभी ये नेगेटिव चल रहा है 77%। वी थॉर एंड वी चेन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैं सपोर्ट ज़्यादा करूंगा अगर मुझे ऑप्शन दिया जाए, आई विल बाय वी चेन। वी थॉर आपको फ्री में मिल जाते हैं जब आप वी चेन को स्टेक करते हो, तो सो आई विल नॉट पुट इन माई मनी इन वी थॉर क्योंकि वी थॉर मुझे एज इट इज मिल रहे हैं ऑन स्टेकिंग ऑफ वी चेन। सो ये थोड़ा सा आपने क्लियर रहना पड़ेगा इन योर फंडामेंटल्स कि अगर आपको कोई क्रिप्टो मिल रहा है फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट सो आप उस पर पैसा ना डालो तो वो बेटर है। बट वी थॉर जब आपके पास आ जाता है, कई लोग ये बोलते हैं कि सर वी थॉर कैसे बेचें, तो वी थॉर के भी बहुत सारे एक्सचेंजेस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हो बायनांस में भी अवेलेबल है। अगर आप वी चेन को स्टेक करते हो इन बायनांस तो आपके पास आते हैं वी थॉर इन बायनांस, वहाँ से भी आप उसको सेल आउट कर सकते हो। देयर इज़ नो इशू इन सेलिंग आउट वी थॉर जैसे बाकी क्रिप्टोज होते हैं, वैसे वी थॉर भी एक क्रिप्टो है एंड इट इज़ ईजी टू सेल वी थॉर एंड वी चेन इन बायनांस और कोई और एक्सचेंज में आप ले रहे हो तो वहाँ से भी आप इसको सेल आउट कर सकते हो। आई वुड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू जो भी वी चेन में इन्वेस्ट कर रहा है उसकी स्टेकिंग ज़रूर कर ले, बिकॉज स्टेकिंग इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बाइंग एनी क्रिप्टोकरेंसी। इसकी करेंट मार्केट कैप रैंकिंग चल रही है 186। आई हैव सीन कि ये 150 के भी ऊपर गया था इन दी मार्केट कैप रैंकिंग। सो यस, वी थॉर इज़ नॉट अ बैड ऑप्शन जो आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट व्हेन यू स्टेक वी चेन। वी चेन का जो डेवलपर है सनी लू, ही कीप्स ऑन ट्वीटिंग अबाउट द प्रोजेक्ट एंड वो कहीं ना कहीं क्रिप्टो की डेवलपमेंट्स भी बताते हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या उसमें नई चीज़ें आ रही हैं, उन सब के बारे में बताते हैं। वी चेन लुक्स अ गुड इन्वेस्टमेंट अगर हम बात करें नेक्स्ट ईयर की 2022 की। तो जैसे आप लोगों को पता है मैं प्राइस प्रेडिक्शन नहीं करता हूँ किसी भी क्रिप्टो का, बट आई स्पेकुलेट कि ये जो वी चेन है ये बहुत अच्छा करेगा। आप अभी जिस लेवल में है यहाँ से ऑलमोस्ट डबल, तो एटलीस्ट आपका प्राइस आपको दिख जाएगा, उससे भी ज़्यादा कर सकता है, डिपेंड करता है अपना ऑल टाइम हाई कब ये ब्रेक करता है, नहीं करता, बहुत सारी चीज़ें उस पर डिपेंड करती है। इन केस इट डज ब्रेक इट्स ऑल टाइम हाई तो हमें एक नया लेवल देखने को मिल सकता है जो उससे भी ऊपर होगा। तो यहाँ पे अगर लोग इन्वेस्ट करते हैं इस करंट प्राइस में भी, तो यस वी कैन एक्सपेक्ट अ 3 टाइम्स ऑफ आर मनी इन द ईयर 2022। बट आप लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करो अपने रिस्क पे करो, आप लोग अपनी रिसर्च कर लो, उसके बाद ही किसी क्रिप्टोकरेंसी में पैसा डालना। दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, बिकॉज ये जो भी सारी रिसर्चेज है ये मेरी खुद की पर्सनल रिसर्चेज है। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूँगा कि आप लोग मेरे कहने पे कोई भी क्रिप्टोकरेंसी परचेज कर लो, इट इज़ योर ओन रिस्क, आप लोग जाके उसको परचेज कर सकते हो आफ्टर डूइंग योर रिसर्च ऑन दैट पर्टिकुलर क्रिप्टो। एंड क्रिप्टोकरेंसी में कभी भी ज़्यादा पैसे नहीं डालने चाहिए बिकॉज इट इज़ अ वेरी वॉलेटाइल मार्केट। आप लोग उतना ही पैसा डालो जितना कि अगर कल की डेट में वो 0 हो जाए तो आपकी लाइफ में कोई भी फर्क ना हो। गाइज विद दैट सेड आज का वीडियो करते हैं पे एंड, आई होप आपको अच्छा लगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आर चैनल। सी यू नेक्स्ट टाइम। ओके, बाय बाय।